तो काफी टाइम से जू की वीडियो की काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी और मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। बाकी आज मैं अपने पहले जू में वापस आ चुका हूँ और ये मेरा पहला जू था और ये सबसे बड़ा जू भी है। इसके अलावा दो जू और भी हैं जो मैंने, एक जू तो दिखाया हुआ है, एक अभी दिखाया नहीं है क्योंकि उसमें काम चल रहा है और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब मैं उसे भी दिखाऊंगा। और इसके अलावा जो है एक डेजर्ट वाला जू है वो तो मैंने दिखा दिया था, बट इस वाले जू को भी अब रिनोवेट करने का टाइम आ गया है क्योंकि ये वाला जू जो है काफ़ी लंबे टाइम से मैंने जो है ऐसे ही चला रहा हूँ। मतलब तो छोटे मोटे इसमें चेंजेस करता रहा बट अब काफ़ी सारे नए एनिमल्स आ चुके हैं तो उनके लिए जगह ही बनानी पड़ेगी और इस जू को भी थोड़ा सा सही से करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इतने सारे गेस्ट आ रहे हैं कि अब जगह जो है बची नहीं है और ये रास्ते भी छोटे पड़ने लग गए हैं। कई जगहों पे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग जाती है और यहाँ पे जो है जगह काफ़ी कम बची हुई है। तो आज से मैं जो है इस वाले जू को रिनोवेट करने का काम स्टार्ट करूँगा और यहाँ पे ज़्यादातर रास्ते में चेंज करने वाला हूँ। काफ़ी सारे हैबिटेट जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले हैं तो काफ़ी सारा काम होगा और काफ़ी सारे यहाँ पे चेंजेस होंगे। और ये लायन वाला हैबिटेट भी अपना जो है ऑलमोस्ट फेल ही हो गया। इसमें एक लायन तो मैंने छोड़ा था, शायद वो भी रेस्ट इन पीस ही हो गया और मुझे लग रहा था कि यहाँ पे जो है काफ़ी सारे लायन हो जाएंगे बट हुए नहीं। तो अब मुझे यहाँ पे 4-5 लायन तो ला के छोड़ने ही पड़ेंगे और पेयर में यहाँ पे ला के रखने पड़ेंगे। अभी फ़िलहाल वैसे देख लूँ, फ़िलहाल इसमें लायन एक भी नहीं है, अभी खाली है ये वाला हैबिटेट। ये हिप्पो वाले हैबिटेट में तो एक हिप्पो है बट यहाँ पे इधर दिख नहीं रहा। अच्छा ये अंदर बैठा हुआ है, इसकी हेल्थ भी चेक कर लेते हैं। इसकी हेल्थ ठीक है और उसकी एज भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, 39.3 ईयर्स का हो चुका है और इसकी लाइफ तो शायद काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अभी इसमें टाइम बचा हुआ है और यहाँ पे हैबिटेट काफ़ी सारे खाली भी होंगे। ये तो भालू वाला हैबिटेट है, ये तो खाली नहीं है, तो पूरा फुल भर रखा है ये। इसमें तो जो है भालू यहाँ पानी में तैरते रहते हैं और उसका पानी जो है साफ़ भी है क्योंकि इसके लिए पीछे मैंने यहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन का लगा रखा है। ये रहा, यहाँ से जो है पानी फिल्टर होके जाता रहता है। अब जो है यहाँ पे कुछ बड़े हैबिटेट्स हैं जो मुझे चेक करने हैं, जैसे एक ही एलिफेंट्स वाला हैबिटेट है, ये तो काफ़ी सही चल रहा है। इसमें तो काफ़ी सारे एलिफेंट हो चुके हैं और ये सारे के सारे इंडियन एलिफेंट्स हैं। और अभी यहाँ पे एलिफेंट्स का अगर मैं टोटल नंबर देखूँ तो यहाँ पे टोटल एलिफेंट्स जहाँ तक मुझे लगता है लास्ट टाइम 7 थे, अभी 10 हो चुके हैं, तो 3 एलिफेंट्स यहाँ पे और आ चुके हैं। और इधर ये वाला हैबिटेट जो है, ये हैबिटेट है कैमल्स का और अभी जो है बर्फ़ गिरने लगी है बाहर। तो यहाँ पे कैमल्स वाले हैबिटेट में अगर मैं देखूँ तो कैमल वाले हैबिटेट में जो है 8 कैमल हैं और ये एक ड्रोमेडरी कैमल कौन सा है, कोई दूसरा कैमल आ गया शायद इसके अंदर। ये वाला कैमल कहाँ पर है, ये कैमल जो है इसमें थोड़ा डिफरेंट वाला है। ये है, ये कैमल जो है मैच नहीं हो रहा। ये सारे कैमल तो अलग तरीके के हैं, ये एक कैमल अलग तरीके का है। तो अभी तो फिलहाल इस कैमल को यहीं छोड़ देता हूँ, बाद में देखूंगा इसको अलग हैबिटेट में भेज दूंगा। तो इन वाले एलिफेंट्स के अलावा मेरे पास और भी एलिफेंट्स हैं। अफ्रीकन एलिफेंट्स का हैबिटेट यहाँ पे ऊपर है और इसमें देख लेता हूँ, इसमें भी एक बेबी एलिफेंट और आ चुका है। ये अफ्रीकन एलिफेंट है और इसके अलावा यहाँ पे पीछे की साइड एक जो है बड़ा एलिफेंट है और एक और एलिफेंट होना चाहिए, इधर पानी में भी नहीं है। तो अभी दो ही एलिफेंट हैं इस वाले हैबिटेट के अंदर। तो अभी मुझे एक खाली हैबिटेट ढूंढना है फिलहाल, तो क्योंकि मेरे पास 2-3 एनिमल्स नए आए हैं वो मुझे मूव करने हैं। और यहाँ पे ये वाला हैबिटेट शायद खाली है, नहीं इसमें भी है, इसमें मराबू है। मराबू कौन सा है, मराबू ये अच्छा बर्ड है ये वाले। तो ये एक एक टांग पे खड़े हुए हैं, ये रेस्ट कर रहे हैं। तो ये वाला हैबिटेट भी खाली नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे ये वाला हैबिटेट देख लेता हूँ, अगर ये वाला खाली हो तो। ये वाला खाली है, ये मैंने पहले पांडास के लिए बनाया हुआ था। तो अभी मेरे पास जो है कुछ नए एनिमल्स हैं वो मुझे यहाँ भेजने हैं। जो है एक तो अफ्रीकन लेपर्ड है, ये अफ्रीकन लेपर्ड मुझे यहाँ पे भेजना है। और अफ्रीकन लेपर्ड के हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा कि ये जो साइड की इसकी बाउंड्री हो रखी है ये सुटेबल है भी या नहीं है। वैसे तो ये इलेक्ट्रिक वाली है, इसके पहाड़ तो जा नहीं सकता, बट इसकी शायद में थोड़ी सी हाइट बढ़ानी पड़ेगी, वो भी देख लूँगा। और इसके अलावा एक और अफ्रीकन लेपर्ड मिल जाए या फिर लायन मिल जाए, पहले लेपर्ड ही सर्च कर लेता हूँ। ये अफ्रीकन लेपर्ड अभी तो अवेलेबल नहीं है, लायन मिल जाए तो अपना लायन वाला हैबिटेट भी जो है खाली पड़ा हुआ है, लायन भी अवेलेबल नहीं है। बाकी उसके अलावा काफ़ी सारे एनिमल्स नए नए अवेलेबल हुए हैं, और जैसे यहाँ पे ये डोमेस्टिक पिग है, यही मुझे लाना था अभी। ये वाला मंकी, ये स्क्वायरल मंकी है, ये तो मैं ले आया था पहले। इंडियन राइनोसोरस भी आ चुका है। एक जिराफ मुझे चाहिए था बट जिराफ 764 कंजर्वेशन क्रेडिट का आ रहा है, मेरे पास कंजर्वेशन क्रेडिट अभी 628 है। ये क्या है, ये रिंग टेल्ड वॉन्ट सीरा, ये कौन सा है, ये बाद में देखूँगा। और ये शूबिल वाली बत्तख है शायद, ये ना, ये तो पेंगुइन्स हैं, ये तो ले ही लेता हूँ मैं। टिम्बर वुल्फ भी एक ले ही लेता हूँ और एक बार आप देख लूँ यहाँ पे लेपर्ड भी आ गया होगा, अभी तक आया नहीं लेपर्ड यहाँ पे।
वो लेके आ रहा है सामने से। हाँ ये बॉक्स में ला रहा है। ये आ गया लेपर्ड, बस यहाँ से निकल के भाग ना जाए, अभी थोड़ी देर देखना पड़ेगा। और इसके खाने के लिए भी देखना है कि इसके खाने के लिए यहाँ पे मुझे दूसरे इंतजाम करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पहले पांडा था, तो पांडा तो बैम्बू वगैरह खाता है, इसके लिए तो यहाँ पे नहीं है, ये तो बैम्बू वाली ट्रे ही है, तो इसके लिए जो है सूटेबल फूड इसमें नहीं आ रहा, तो फूड का मुझे लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए ये वाली फूड ट्रे चल जाएगी, ये फूड ट्रे मैंने लगा दी, इसमें सूटेबल फूड का भी आ गया, और इसमें कीपर को बुला भी लेता हूँ। और ये आके यहाँ बैठ गया पानी पीने के लिए, पानी का तो है, पानी का तो सबका सेम ही होता है, पानी का इतना इशू नहीं है। और एक ही अंदर पांडा वाली केव भी है, इसमें ये भी जो है आराम से रह सकता है, और दो लेपर्ड तो यहाँ आराम से रह ही सकते हैं, अभी तो फ़िलहाल एक ही है। और ये मेल या फीमेल है तो मैंने देखा ही नहीं, ये जो है फीमेल है, तो एक मेल लेपर्ड और चाहिए होगा इस वाले हैबिटेट में। तो यहाँ पर ये वाला मंकी है, और यहाँ पर दो तरीके के मंकी हैं, एक तो ये वाले मंकी हैं और एक और मंकी है, ये दूसरा वाला मंकी है, ये ब्लैक एंड वाइट कोलोबस, और इधर है ये जापानीज मकैक। उसके साथ वाला हैबिटेट भी खाली ही पड़ा हुआ है, इसमें पहले क्रोकोडाइल्स थे जो काफ़ी ज़्यादा लड़ते आते थे, तो मैंने ये खाली कर दिया, सारे क्रोकोडाइल्स यहाँ से निकाल दिए थे। अब यहाँ के लिए अभी वैसे मेरे पास जो है अपनी एनिमल स्टोरेज में भालू वगैरह काफ़ी सारे हैं, बट भालुओं का हैबिटेट पहले ही दो काफ़ी बड़े बड़े हैं, और वहाँ पर काफ़ी सारे भालू हैं, तो वहाँ पर तो मुझे ज़रूरत नहीं है। ये मैं हार्बर सील रख सकता हूँ यहाँ पर पानी का भी है, हार्बर सील को यहाँ भेजता हूँ, ये इस पानी में जो है यहाँ पे तैर भी लेंगे, क्योंकि सील को पानी चाहिए होता है, और ये पानी का काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, यहाँ पे मैं बाद में काफ़ी सारी सील रख सकता हूँ। हार्बर सील भी आ चुकी है, और ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ये ऐसे चल भी नहीं पा रही है, खाली आगे से यहीं से चल रही है, और पीछे शायद ये जो इसके पैर हैं या फिन्स हैं ये पानी में तैरने के लिए हैं, तो ये भी पानी की तरफ ही जा रही है, तो इसको मेनली पानी ही चाहिए। सही है, इस वाले हैबिटेट में पानी है काफ़ी सारा, बाकी इसके खाने के लिए ये वाला चलेगा या नहीं चलेगा वो देखना पड़ेगा, ये चल जाएगा, इसमें सूटेबल फूड का आ रहा है, तो यहाँ पे कीपर को रिक्वेस्ट कर देता हूँ, इसके लिए खाना भी आ जाएगा। अभी इसे एक बार पानी में उतरने देता हूँ, उसके बाद देखते हैं। फाइनली पहुँच तो गई यहाँ पानी तक, पानी में तो ये तेज़ तेज़ तैर लेगी, हाँ पानी में तो आराम से तैर पा रही है, अंदर से भी देख लेते हैं। सही है, ये यहाँ पे अभी एक रख के देखते हैं, उसके बाद ये सही से यहाँ पे रह पाएगी, तो यहाँ पे काफ़ी सारी ले आऊँगा, और एक दो से ये काफ़ी सारे हो जाते हैं, जो एनिमल सही से रह पाते हैं हैबिटेट में वो तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये फ्लेमिंगोस ला के रखे थे, और अब ये इतने सारे फ्लेमिंगोस यहाँ पर हो रखे हैं, इस सब के सब जो है एक टांग पर खड़े होकर रेस्ट कर रहे हैं, और कितने सारे बाहर यहाँ पर खड़े हुए हैं, और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से पॉपुलैरिटी भी जो है फ्लेमिंगोस की ही हो रखी है, यहाँ पे जो है काफ़ी सारे गेस्ट खड़े होकर देख रहे हैं। और सेकंड नंबर पे जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं वो है अफ्रीकन एलिफेंट्स, मुझे ये वाइट वाली में जो जंगली बैच लाया था ये तो एक ही है, बट इस पे भी जो है काफ़ी सारे निशान हो रखे हैं, मुझे लग रहा है इनसे लड़ाई हुई है नॉर्मल भैंसों से, और इन्होंने इसको सही कर दिया है, ये आराम से बैठी हुई है अभी। और इसके साथ वाले में तो मैंने यहाँ पीकॉक रखे हुए थे, ये पीकॉक भी जो है दूसरे वाले पीकॉक है, नॉर्मल पीकॉक नहीं है अपने इंडियन वाले, तो ये जंगली वाले पीकॉक हैं, और ये दो ही हैं अभी, और तो कोई छोटे मोटे यहाँ नहीं घूम रहे, कोई एक आध और जंगली पीकॉक यहाँ हुआ हो, कोई नहीं हुआ है। और स्नो बड़ी गिर रही है यहाँ पे आज, ये भालुओं के लिए तो मैंने यहाँ पर एक शेड बना दी थी, और इस शेड के अंदर ये सारे भालू आके आराम कर रहे हैं। और ये क्या हो रहा है, ये कितने भालू हैं यहाँ पर, अभी टोटल नंबर देख लेता हूँ भालुओं के कितना है, अभी टोटल 23 हैं अभी, और इनमें से काफ़ी सारे बीमार भी हो रखे हैं, इसलिए जो है यहाँ पे ये वेट आ रखा है, तो ये इन्हें लेके जा रहे हैं और इनका ट्रीटमेंट करके वापस छोड़ देंगे। अभी तो इस ज़ू में जो है काफ़ी चीज़ें फैली पड़ी हैं, अब एक एक करके पहले सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, फिर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस चीज़ को हटाना है किस को रखना है, और तब मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा और काम स्टार्ट करूँगा। और ये रेस्टोरेंट तो यहाँ ओपन वाला बना रखा है, इसलिए बाहर जो है बर्फ़ गिर रही है, और यहीं पे सब पिज़्ज़ा और फ्रेंच फ्राइज बर्गर वगैरह खा रहे हैं, तो ठीक है। एक मुझे रेस्टोरेंट वैसे यहाँ पे क्लोज वाला ही बनाना है, मतलब जिसके ऊपर रूफ़ होएगी, और मैं सोच रहा हूँ कि इसी के ऊपर यहीं पे रूफ़ बना दूंगा, तो ये वाला रेस्टोरेंट रूफ़ के नीचे हो जाएगा, और ओपन वाला रेस्टोरेंट यहाँ पर रख लूँगा, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट और है इसको ओपन रहने दूँगा। बाकी यहाँ पर काफ़ी सारे हैबिटेट अभी खाली भी हैं, जैसे ये वाला हैबिटेट खाली है, इसके साथ में मैंने यहाँ पर ये दूसरे टाइप के मगरमच्छ ला के रखे थे, ये तो है यहाँ पर,
ये रहा मगरमच्छ और सेंट्रल अफ्रीकन मगरमच्छ है ये, और इसके साथ में ये वाला हैबिटेट था, इसमें मैंने ला के रखा था एक पोसा। पोसा कौन सा एनिमल था? पोसा मेरे को याद नहीं आ रहा किधर है इसके अंदर, यहाँ पे कहीं पे होगा एक, है तो सही इसके अंदर, दिख तो रहा है कहीं यहाँ पे बैठा हो। अंदर तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, लाइट ऑन करनी पड़ेगी। इधर कहीं नहीं है, ये पानी के अंदर है शायद, ये यहाँ पे है। हाँ कुछ कुछ लैपर्ड जैसा तो लग रहा है ये है, और ये पानी में बैठा हुआ है। ये लैपर्ड भी नहीं है एक्चुअल में, और ये कुछ अलग ही एनिमल है, बट हाँ ये लैपर्ड जैसा है, इसका मेरे को थोड़ा थोड़ा याद था। और अभी ये हंग्री शो हो रहा है, इसका शायद खाना नहीं है यहाँ पे, खाने की ट्रे यहाँ पे है या नहीं है? खाने की ट्रे है तो सही, और इसके लिए सुटेबल फूड भी है, बस कीपर को यहाँ फूड रख के जाना है। और ये वाली शॉप चल भी रही है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे क्या है, फ्लेवर सोडा की शॉप है या तरबूज की शॉप है? ये तो खाली पड़ी है, और उसके नीचे तो ज़मीन ही खिसक गई है, यहाँ से खाली हो गया, ये शॉप ही गिर जाएगी ऊपर से हिसाब से। और इधर एक ये वेंडर है तो सही, बट कोई आ नहीं रहा है यहाँ पे, तो इस शॉप को हटा देता हूँ फिलहाल यहाँ से, क्योंकि नीचे की ज़मीन जो है इसकी खिसकने वाली है, यहाँ से गिर सकती है, इसको दोबारा से बनाऊँगा। इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया, चलो घर जाओ अपने, इतनी खतरनाक जगह पे काम मत करो, फालतू में खिसक खिसक जाएगी। फालतू में इतनी खतरनाक जगह पे काम कर रही थी, यहाँ पे खतरों के खिलाड़ी हो रही थी। और वैसे भी इसके नीचे लायंस का हैबिटेट है, अगर यहाँ से गिरी तो सीधा लायन के हैबिटेट में गिरती। और वैसे ये वाला मैंने लास्ट टाइम यहाँ पर लगाया था इस वाली बत्तख के लिए, ये वाली बत्तख जो है, और ये सही लग रहा है, ऐसा एक मैं जो है लायंस के हैबिटेट में भी लगा देता हूँ। तो ये मैं लायंस के हैबिटेट में यहाँ पे प्लेस कर दिया है, तो लायंस के लिए थोड़ा ठीक रहेगा, लायंस यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। बस अभी लायंस मिल जाएँ, अफ्रीकन लेपर्ड मिल रहा है मेरे को दो और, पर दोनों दोनों फीमेल ही है, तो अफ्रीकन लेपर्ड ले ही लेता हूँ। मैंने एक अफ्रीकन लेपर्ड तो लिया है ही, इन दोनों अफ्रीकन लेपर्ड्स को भी जो है उसी के पास भेजता हूँ। और वो वाला हैबिटेट है ऊपर की साइड यहाँ पर, तो इसके अंदर अभी एक अफ्रीकन लेपर्ड है, और ये रही यहाँ पर अंदर की साइड, तो बाकी दो को भी जो है यहाँ ही भेज देता हूँ। ये रहे दोनों अफ्रीकन लेपर्ड, और इन्हें भेजता हूँ इसके अंदर, तो तीन अफ्रीकन लेपर्ड हो गए यहाँ पे, और फीमेल ही हैं, और ये हैबिटेट काफ़ी है लेपर्ड्स के लिए। अभी तो यहाँ पे दो तीन लेपर्ड मैं और रखूँगा, काफ़ी सारे हैबिटेट खाली पड़े हुए हैं यहाँ पे। जराफ वाला हैबिटेट में तो एक जराफ मैंने भेज दिया था, ये तो खाली नहीं होना चाहिए। हाँ एक यहाँ पर मसाई जराफ तो है, और जराफ तो मैंने अभी एक और भी परचेज़ किया है, उसे भी यहीं भेजता हूँ। ये कहाँ छुप के बैठ जाते हैं एनिमल सारे के सारे, इधर की साइड यहाँ पे भी नहीं, ये यहाँ पे है, इधर खड़ा हुआ है। तो अब एक जराफ और देख लेता हूँ, जराफ तो मिल जाएगा, जराफ का तो इतना इशू नहीं है। जराफ की भी तीन वैरायटी हैं, तो ये जो मसाई जराफ है तो नहीं मिल रहा, रेटिकुलेटेड भी नहीं मिल रहा, अभी तो अवेलेबल था थोड़ी देर पहले, ये भी नहीं मिल रहा। अब जब ज़रूरत होती है तब मिलते नहीं, चलो कोई और एनिमल देख लेता हूँ, कोई और मिल जाएगा तो पहले ही परचेज करके रख लेता हूँ। ये फालतू के एनिमल ज़्यादा मिलते हैं, कुछ जो काम का एनिमल है वो तो बहुत कम मिलते हैं। ये कौन सा है, ग्रेटर स्पॉट नोज, ये मंकी है, मंकी काफ़ी वैरायटी के आ रखे हैं। ये जैगुआर वाला कोई वैरायटी है शायद, ये वाइल्ड वाली ना, ये परचेज कर ही लेता हूँ, इसके मेल फीमेल दोनों मिल रहे हैं। एक हैबिटेट खाली है उसमें भेज दूँगा, तो पहले ये जैगुआर वालों को भेजता हूँ। एक हैबिटेट खाली पड़ा है उस साइड, वहाँ पे सामने इधर की साइड ये वाला हैबिटेट खाली है, इसमें भेज देता हूँ। ये रे इन दोनों को भेजता हूँ इसके अंदर। और अभी अपने ज़ू में गैस सिर्फ 2200 रह गए हैं, ये मैंने जान पूछ के कम किया है, क्योंकि मैंने ज़ू के टिकट का रेट ना फुल कर दिया है, $100 मैक्स लिमिट है, मैंने $100 कर दिया है, जिससे क्या है गेस्ट कम आए, गेस्ट कम आएंगे तो मेरे को जो है जगह मिल जाएगी यहाँ पर रिनोवेशन करने के लिए। यहाँ पर अगर सारे रास्ते फुल होंगे तो मैं रिनोवेशन नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं जो है धीरे धीरे करके जो है सारे गेस्ट को यहाँ पे कम कर रहा हूँ। पहले यहाँ पे 6500 से ज़्यादा विजिटर थे, अब मैंने जो है सिर्फ 2200 छोड़े हैं, और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये और कम हो जाए, 1000 के आसपास हो, और उससे जो है आसानी होगी कि अपना काम इजीली हो जाएगा। और जब सारे रास्ते ये बड़े हो जाएंगे, जैसे ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा छोटा है, और अभी तो यहाँ पर जो है घास वगैरह भी उग चुकी है, ये सब प्रॉपर तरीके से ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद मैं रेट नॉर्मल कर दूँगा। पहले रेट $75 था, तो $75 पर फिर यहाँ पर 6500 गेस्ट आ जाएंगे,
बाकी एक बार यहाँ पे देख लूँ ये वाले एनिमल्स आए हैं या नहीं आए। ये मतलब मकैनिक आया है रिपेयर करने के लिए, एनिमल्स भी आ ही रहे होंगे। और अभी तो जो है बारिश वगैरह चल रही है, एक बार पहले मैं यहाँ पे थोड़े एनिमल्स वगैरह ले आऊँ, उसके बाद यहाँ पे जो है काम करना स्टार्ट करूँगा। तो अभी तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो ये ले तो आया यहाँ पे ये जैगवार्स को, और ये कुछ अलग तरीके के जैगवार है, ये अलग ही वाइल्ड वैरायटी है। ये बिल्ली की तरह लग रहा है, इससे काली बिल्ली होती है वैसा कुछ लग रहा है भी। ये छोटा है, इतना बड़ा तो नहीं है, बट बिल्ली से तो बड़ा है। और दूसरा कहाँ गया, ये तो घास में जो है यहाँ छुप के आराम से बैठ सकते हैं। दो थे ये, एक तो ये यहाँ पे है घास के अंदर और एक यहाँ पे है। अच्छा, इनको ठंड लग रही है, सीधा हीटर के पास आके हीटर पे ही चढ़ के बैठ गया। तो अब बाहर भाग गया क्योंकि बाहर धूप निकल आई है। तो अब मैं यहाँ पे धीरे धीरे काम स्टार्ट करूँगा और इस जू को पूरा रिनोवेट करूँगा। अब ये जू जो है ज़्यादातर बदलने वाला है, मतलब इसमें जो है नई तरीके के रास्ते होंगे, नए हैबिटेट्स होंगे। और लायन वाले हैबिटेट में तो मैं जो है सबसे ज़्यादा लायन रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे इसकी कैपेसिटी वैसे 23 लायन की है, तो मैं सोच रहा हूँ 23 के 23 लायन जो हैं इसके अंदर आ जाएँ। और शुरू में 7-8 लायंस मैं ला के यहाँ पर रख दूँगा, बट अभी लायन जब मिलेंगे तभी ला के रखूँगा। बाकी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।